Hello students, welcome to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is your medieval history series. In last lecture we talked about the Chalukyas and the Rashtrakutas, and now comes the so-called the main, what is denoted as the main part of medieval history. And from today we'll start the Turkish Arab invasion. Shuruaat jo mostly jab hum medieval history ki jab hum baat karte hain, तो जो लेटर पीरियड है मेडिवल हिस्ट्री का, विच इज मोस्टली डिनोटेड बाय द यू नो द मुस्लिम रूल एंड ऑल दैट स्टफ, इन्वेजन्स एंड अदर थिंग्स, सो ये उसी को डिनोट करता है. मोस्टली लोग समझते भी ऐसे ही हैं, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू. तो हमने बाय एंड लार्ज जो अर्ली मेडिवल फेज था उसे कंप्लीट कर लिया है. अब हम लेटर मेडिवल फेज की बात करेंगे और अब हम बात करेंगे द अरब टर्किश इन्वेजन की. तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन विथ द अरब एंड द टर्किश इन्वेजन. सो अरब इन्वेजन इन इंडिया, सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले हम बात करें तो मोहम्मद बिन कासिम आता है. मोहम्मद बिन कासिम आए और ही वॉज नॉट, ही डिडंट केम बाय हिमसेल्फ, वो खुद नहीं आया था. अल हज्जाज उस वक्त जो थे वो इराक के गवर्नर थे और उन्होंने बगदाद से मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान की तरफ भेजा और उन्होंने सबसे पहले जो है वो सिंध रीजन को, ये आज का इंडिया है और ये पाकिस्तान, यहाँ से आप देखोगे यहाँ से पाकिस्तान वाला रीजन है. तो ये जो रीजन है सिंध का, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने उसे अक्वायर किया, उसे कॉन्कर किया. और उस वक्त जो खलीफा थे, अब ये खलीफा का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा. खलीफा उस वक्त बगदाद में होते थे और जो खलीफा की सीट थी उस वक्त बगदाद में थी. खलीफा कौन थे? खलीफा आप इसे ऐसा समझिए जो आज के टाइम पे पोप का स्टेटस है क्रिश्चियनिटी में, बाय एंड लार्ज वही खलीफा का स्टेटस था इस्लाम में. और ये खलीफा जो है वो उस वक्त बगदाद में थे, फिर लेटर जब उस्मानिया खिलाफत आई, जो जिसको आप अंग्रेजी में ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, जब वो इस्टेब्लिश हुई तो ये खलीफा की जो सीट थी ये तुर्की चले गई. और तब से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड तक, जब तक ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, तब तक ये जो है सीट खलीफा की वही रही. उसके बाद खिलाफत ख़त्म हो गई और इसी के अगेंस्ट जो हम आगे चल के जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो खिलाफत मूवमेंट था वो इसी के लिए था. तो खलीफा इज वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट, वॉट वी कॉल एज सीट, वेरी प्रोमिनेंट वॉट वी कॉल एज ऑफिस और डेजिग्नेशन, जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को, ये जितने भी मुस्लिम रूलर्स थे उनको, उनके ऊपर लाइक वॉट एवर सेट बाय खलीफा इज द लास्ट लाइन, नो वन कैन ओवर रूल दैट. सो खलीफा उस वक्त वलीद थे, वो बगदाद में थे और उनके परमिशन के बाद जो है वो सिंध का जो इलाका है, जो गुजरात से ऊपर का इलाका है जो आज के वक्त में पाकिस्तान पे है, वो एक्वायर हुआ. इसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है वो है बैटल ऑफ रिवाड. ये जो है मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर जो सिंध का रूलर था उसके बीच हुई. दाहिर वॉज डिफीटेड और सिंध और मुल्तान दोनों जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के कैप्चर, मतलब उसके पार्ट में आ गए, उसने दोनों को कैप्चर कर लिया. देयर आफ्टर, और यू कैन इमेजिन कि वाई इंडिया वॉज कॉल्ड अ गोल्डन स्पैरो, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को क्या कहा, द सिटी ऑफ गोल्ड. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें, क्योंकि देखो खलीफा और इराक और अरब में ऑलरेडी मुस्लिम रूल था उस दौर में, हम 720 यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट द बिगनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी, और उस वक्त में वहाँ पे प्रॉपर मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश हो गया था, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं अब रिफ्लेक्ट होगा. और अब इसके बाद जो आपको दिखेगा, चाहे वो लिटरेचर में दिखे, पर्शियन लैंग्वेज का यूज़ बढ़ेगा, टर्किश लैंग्वेज का यूज बढ़ेगा, और जब हज़रत अमीर खुसरो का दौर आएगा तो अमीर खुसरो जो है वो उर्दू ज़बान को, जो असली हिंदुस्तानी ज़बान है उसको ग्रामर प्रोवाइड करेंगे और एक नई जो हिंदुस्तानी ज़बान है उसका जन्म होगा. तो अब जो हम यहाँ से, आप चाहे आर्किटेक्चर में देखेंगे, आप चाहे लिटरेचर में देखेंगे, कल्चर में देखेंगे, इवन आप ईटिंग हैबिट्स में देखेंगे, तो आपको एक नया ट्रेंड दिखेगा, एक नया कल्चर दिखेगा, एंड दैट कल्चर इज इंडो इस्लामिक कल्चर. सो
एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये दिखा, जो इम्पैक्ट था, जो इफेक्ट था बगदाद का या अरब रूल का, वो यहाँ भी दिखा. सो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ, सिंध एंड मुल्तान वर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्ताज. इक्ता मतलब बेसिकली डिस्ट्रिक्ट ही होता है. बाय मोहम्मद बिन कासिम एंड अरब मिलिट्री ऑफिसर्स हेडेड द इक्ताज. तो उन्होंने ये जो इक्ता का हेड था ये कौन था, ये एक अरब ऑफिसर ही होता था. द सब डिविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स वर एडमिनिस्ट्रेड बाय लोकल हिंदू ऑफिसर्स. सो इट वाज नॉट लाइक दैट कि उन्होंने टोटल सब अपने कंट्रोल में लिया. उन्होंने जो लोकल नॉन मुस्लिम या जो लोकल हिंदू ऑफिसर्स थे उनको भी, उनका कहना चाहिए कि ऑफिसर बनाया, उनको भी सारी जिम्मेदारियां दी. और द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज दैट जजिया वाज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स. अभी जजिया क्या होता है, थोड़ा सा वेट करेंगे हम आगे चल के टैक्सेस. और इवन आपने वो वाला जो लेक्चर जो हमारा ग्लॉसरी वाला था, जो वन लाइनर्स था, वहां पे जजिया मैंने आपको इन डिटेल बताया था. सो यू कैन रेफर टू दैट वीडियो ऑल्सो, क्योंकि अब वो उस वीडियो के कई टर्म्स अब आना शुरू होंगे. उसके बाद बात करते हैं एंड ऑफ मोहम्मद बिन कासिम की. अच्छा ये आ, आ, ये जो बिन आता है, ये मोहम्मद बिन कासिम और इस तरीके से, एक्चुअली मोहम्मद बिन कासिम मतलब दिस इज एन अरबिक वे ऑफ राइटिंग नेम वेयर इट मींस सन ऑफ. सो मोहम्मद बिन कासिम मींस मोहम्मद वाज हिज नेम एंड हिज फादर्स नेम वाज कासिम. सो अरबिक में जब नाम लिखा जाता है तो इसी तरीके से लिखा जाता है. फॉर मेल और फॉर मतलब इट्स लाइक मोहम्मद बिन कासिम मीन्स मोहम्मद सन ऑफ कासिम. और जब लड़की का नाम होता है तो वहाँ बिनते यूज हो जाता है. तो ये आप एक अरबिक वो है, ध्यान रखिएगा जब अरबिक मुस्लिम्स के नेम होते हैं तो आप बोलोगे सर ओसामा बिन लादेन, तो ओसामा उसका नाम था, बिन लादेन मीन्स सन ऑफ लादेन. सो बेसिकली इस तरीके से वहाँ पे अरबिक में बिन इज फॉर सन ऑफ एंड बिनते इज फॉर डॉटर ऑफ. खैर, खलीफा वलीद के बाद खलीफा सुलेमान आए. और वो जो खलीफा सुलेमान थे वो अल हज्जाज, कौन, जो गवर्नर था इराक का, जिसने कि मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था, उससे उनकी एनिमिटी थी, उससे उनकी दुश्मनी थी. तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था. इमिडिएटली जो है उन्होंने अल हज्जाज को भी हटाया और मोहम्मद बिन कासिम को भी वहां से हटाया और उसे मेसोपोटेमिया भेज दिया कि बोले अब तुम जाओ तुम, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अल हज्जाज का सन इन लॉ भी था. 150 साल तक, मतलब आई एम टॉकिंग वी आर समवेयर वी आर इन 720 730 AD, तब से लेके आप देखोगे 150 साल तक जो है ये सिंध और मुल्तान जो है ये कंटिन्यू टू बी द रिमेन पार्ट ऑफ खलीफा का एम्पायर था. तो आप ये समझ सकते हैं कि जो खलीफा का एम्पायर था वो सिंध और मुल्तान से लेके मक्का और मदीना तक और इसके बियॉन्ड भी फैला हुआ था. सबसे बड़ा जो खलीफा का दौर आया वो उस्मानिया खिलाफत या जिसे ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, वो आया वेयर इट वाज स्प्रेड इन 3 कॉन्टिनेंट्स. जो सल्तनत थी ऑटोमन एम्पायर की, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. तो खैर ये तो उस वक्त की बात हुई. बात करते हैं व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ अरब कॉन्क्वेस्ट. दिस इज अ वेरी यू नो टेक्सचुअल लाइन, जैसी लिखी थी मैंने वैसे ही लिख दी. That subjugation of Sindh made for Islam into India, the art, administration, astronomy, the art of administration, astronomy, music, painting, medicine, architecture. तो ये अरब्स ने सीखा, कुछ उन्होंने हमें सिखाया, कुछ वो हमसे सीख के गए और वहां से इन्होंने इनको यूरोप और दूसरे जो जगह थी, दूसरे जो कॉन्टिनेंट्स थे वहां स्प्रेड किया, जो ये ट्रेड कर रहे थे. अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो जो अरेबियन पेनिनसुला है इट्स समथिंग लाइक दिस, या ऐसा कुछ है, या अरेबियन सी है, या अरेबियन आपका पेनिनसुला है. तो यहाँ से इधर भी ट्रेड कर रहे थे, इराक वगैरह इधर है और यहाँ से इधर भी ट्रेड कर रहे थे, यूरोप और यू नो मेडिटेरेनियन सी के थ्रू ये यूरोप में भी ट्रेड कर रहे थे. फिर क्या होता है, टर्किश. तो ये कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम कौन था, ये अरेबिक था. लेकिन सिर्फ अरब्स ने इन्वेड नहीं किया, अरब्स के बाद 8th एंड 9th सेंचुरी में क्या हुआ, टर्क्स डोमिनेटेड द खलीफा ऑफ बगदाद. टर्क्स डोमिनेटेड द खलीफा ऑफ बगदाद और उसके बाद टर्किश इन्वेजन शुरू होता है. टर्किश इन्वेजन का सबसे पहला इम्पैक्ट आता है, सबसे पहला वेव आता है महमूद ऑफ गजनी, जो कि टर्किश ओरिजिन का था, ये आपको ध्यान रखना है. ही वॉज द फर्स्ट टर्किश टू इन्वेड इंडिया. ही रिटर्न टू गजनी
विद इनॉमिनस वेल्थ आफ्टर डिफीटिंग। अब इन्होंने बहुत सारे लोगों को हराया, इन्होंने किस किस को हराया, इन्होंने हराया जयपाला ऑफ द हिंदूशाही डायनेस्टी, फतेह दाऊद ऑफ मुल्तान, मतलब इन्होंने क्योंकि इस वक्त मुल्तान जो था किसके कंट्रोल में था, खलीफा के कंट्रोल में था, तो वहां के भी गवर्नर को हराया। तो अब एक चीज यहाँ आपको समझने वाली है कि जब कॉन्क्वेस्ट की बात आती है तो कोई मजहब नहीं देखता, कोई रिलीजन नहीं देखता। एंड व्हेनेवर यू आर आप, हो सकता है कि कई बार आपके अंदर कुछ ऐसा आइडियोलॉजी हो या आपका कुछ इस तरीके के थॉट्स हो, और इंटरव्यू में जब कभी ऐसा होता है ना कि अब महमूद गजनी को पूछ लिया कि महमूद गजनी ने क्या किया, तो आपके पास एक जवाब होना चाहिए कि सर अगर उसने जयपाला जो कि हिंदू शाही डायनेस्टी का था उसे हराया तो उसने फतेह दाऊद को भी हराया, उसने उसके साथ भी जंग लड़ी। तो आपको एक बैलेंस्ड आंसर देना है, चाहे आप इंटरव्यू के लिए यू हैव टू एवरी डे, मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू की ग्रूमिंग जो है वो हर दिन होती है, तो कभी भी इस तरीके का ना वन साइडेड या एक्सट्रीमिटी या रेडिकलाइज आंसर यूपीएससी में मत दीजिएगा, चाहे आप मेंस का आंसर लिख रहे हो, चाहे आप इंटरव्यू का जवाब दे रहे हो, नेवर एवर डू दैट बिकॉज दैट गोज रॉन्ग विथ योर इमेज। सो देन आनंद पाल ऑफ नागरकोट, द चंदेलाज, रूलर्स ऑफ मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर, इन सारे लोगों को महमूद गजनी ने डिफीट किया और बहुत सारा पैसा लेके, बहुत सारी वेल्थ लेके। क्योंकि अब आप ये दौर अगर आप देखें कि ये हो क्या रहा था इंडिया में उस वक्त, कोई किसी की सुन तो रहा नहीं था ना, राजपूत आपस में लड़ रहे थे, हर वो गुट आपका ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा है कन्नौज के लिए, इधर से राजपूत लड़ रहे, इधर से पालाज आ गए, इधर चंदेला आ गया, चंदेलाज आ गए, इधर मेवाड़ रियासत आ गई, तो छोटी छोटी रियासतें थी, तोमर्स ऑफ दिल्ली थे, फिर वो चौहान्स आ गए तो वो तोमर्स उनकी फिडिटरी बन गए। तो इंडिया में उस वक्त ये चल रहा था और इस चीज का फायदा किसने उठाया, इस चीज का फायदा उठाया महमूद गजनी जैसे लोगों ने, और इन्होंने आके अटैक किया। एंड महमूद गजनी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुस्लिम रूलर्स ऑफ एशिया, दिस इज अनक्वेश्चनेबल। उन्होंने फिरदौसी और अलबरूनी जैसे लोगों को पैटर्नाइज किया आर्ट और लिटरेचर को। गजनीज रूल डिक्लाइन इन 1186 एंड महमूद ऑफ गौरी ग्रू अप। सो महमूद ऑफ गजनी गजनी जगह है और गौरी भी जगह है। तो महमूद ऑफ गौरी का मतलब जब क्या, अगर हम आम जबान में कहें तो गजनी का जब पतन होता है तो गौरी उभर के आता है। क्या होता है, मोहम्मद गौरी ने क्या किया, वो 1149 से 1206 तक था एंड ही वाज द थर्ड मुस्लिम रूलर हु इन्वेडेड इंडिया एंड ही बिकेम रूलर ऑफ गौरी। गौरी इज अ प्लेस इन टर्किश। ही फर्स्ट इन्वेडेड इंडिया इन 1176। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली क्या होता है, हमें मोहम्मद गौरी याद रहता है बैटल ऑफ तराई से, जो कि 1191-1192 दो बैटल ऑफ तराई थी। तो एग्जाम में कई बार आ जाता है कि अगर बैटल ऑफ द फर्स्ट, ही फर्स्ट इन्वेडेड इन, आपको लगता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराई 1191, आप मार्क कर देते, क्वेश्चन गलत हो जाता है। नहीं, ही फर्स्ट इन्वेडेड इन 1176। पॉइंट ध्यान रखिएगा, दो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो फर्स्ट बैटल ऑफ तराई है 1191 AD में। ही सीज द फोर्टेस ऑफ भटिंडा इन 1189 एंड देन प्रोग्रेस टुवर्ड्स किंगडम ऑफ पृथ्वीराज चौहान्स। तो चौहान्स जो है तब तक राजपूत थे और चौहान्स जो है तब तक दिल्ली आ चुके थे, मगर ही वॉज डिफीटेड बाई पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराई इन 1191 एंड रिकवर्ड भटिंडा। तो पृथ्वीराज चौहान ने पहले बैटल ऑफ तराई में 1191 में क्या किया, मोहम्मद गौरी को हराया और भटिंडा को रिकवर किया। सेकेंड बैटल ऑफ तराई, फिर एक साल बाद राजपूत रूलर्स ज्वाइंट फोर्सेज होती हैं अंडर पृथ्वीराज, बट दिस टाइम दे वर डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी एंड ही वाज, पृथ्वीराज चौहान वाज पुट एज अ प्रिजनर एंड लेटर पुट टू डेथ। और इसी के साथ जो है द टर्किश रूल बिगेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री विद द सेकेंड बैटल ऑफ तराई। क्योंकि दिल्ली जीता, मतलब क्योंकि चौहान उस वक्त दिल्ली पे थे, तोमर पहले तोमर्स ऑफ दिल्ली थे, फिर जो अजमेर जो चौहान थे वो उसके बाद आते हैं और वो दिल्ली में रूल कर रहे थे उस वक्त। सो वहां पे क्या होता है, जैसे यू नो सेकेंड बैटल ऑफ तराई इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। तुर्क जो है वो यहाँ पे रूल कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कहना चाहिए अपॉइंटेड कमांडर था मोहम्मद गौरी का, लेकिन 1193 से लेके 1198 तक बहुत सारे राजपूत अपराइजिंग्स, क्योंकि छोटी छोटी राजपूत राजे रजवाड़े थे उस वक्त नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, राजस्थान में, दिल्ली और आसपास के इलाकों में, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपराइजिंग और म्यूटिनीज हुई, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक मिलिट्री कमांडर था, उसने सक्सेसफुली डिफीट किया और
मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया। तो अब पहली बार आप देखेंगे कि तारीख में दिल्ली जो है अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अब सेंटर ऑफ पावर बनेगा। मुगल्स के वक्त में आगरा बनेगा, जब आप देखेंगे मुगल्स आएंगे तो वो आगरा की तरफ चले जाएंगे, तो आगरा भी बनेगा, लेकिन अब पहली बार होता है कि दिल्ली जो है वो एक सेंटर ऑफ पावर बनता है। उसके बाद 1194 में बैटल ऑफ चंदावर होती है, चांदवार जिसे हम कहते हैं। मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद एंड द ग्रेटेस्ट राजपूत रूलर ऑफ कन्नौज एंड किल्ड हिम इन द बैटल। सो कन्नौज भी, तो ये जो कन्नौज का हम देख रहे थे ना पिछले 200-300 साल का जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, राजपूत रूलर था जयचंद, उसे बैटल ऑफ चांदवार में 1194 में मोहम्मद गौरी हराता है और मार देता है। सो कन्नौज भी अब उसके कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, अब तो बिन बख्तियार खिलजी आपको समझ में आ रहा होगा, ये भी एक कमांडर था मोहम्मद गौरी का। ही डिस्ट्रॉयड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन 1202 एंड नालंदा यूनिवर्सिटी इन 1203। सो दिस इज समथिंग दैट दे रियली हर्ट अस कि यूनिवर्सिटीज और इसको उन्होंने हराया, डिस्ट्रॉय किया, लाइब्रेरीज बर्न डाउन की, क्योंकि उनको पता था कि अगर देखो अशिक्षा ही इलिटरेसी लेस एजुकेशन इज द ओनली वे इन विच रूलर्स कैन रूल यू। पढ़े लिखे दिमाग पे कोई राज नहीं कर सकता, ब्यूरोक्रेट्स पे कोई राज कर सकता है, नहीं कर सकता। कौन करता है, वो कहने को मिनिस्टर्स होते हैं बट द रियल पावर्स जो है वो आपके पास है, यू हैव दैट क्वालिफिकेशन, यू हैव दैट ट्रेनिंग। सो जब भी आप देखेंगे, जब भी अशिक्षा बढ़ेगी एक ऐसे कभी भी आप देखोगे, अंग्रेजों ने कभी नहीं चाहा कि हम पढ़ें, अशिक्षित हम रहे, हम इलिटरेट रहे, वी वर लाइक अगर आप बोलोगे सर ब्रिटिशर्स आएंगे, मैकलेस डिक्लेरेशन की आप बात करोगे या वुड्स डिस्पैच की बात करोगे, तो वो उन्हें एक सिलेक्टेड क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस चाहिए थे, क्योंकि यूरोप से ऑफिसर्स मंगाना महंगा पड़ रहा था। इंडियंस क्या थे, कम थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा इंडियन जो कम पैसों पर काम करने को तैयार हो जाता, इसलिए ये इंग्लिश एजुकेशन और मैकलेस डिक्लेरेशन और वुड्स डिस्पैच आप आगे चल के जब हम देखते हैं आता है। तो शासन करने का, रूल करने का जो मेन कॉज है, मेन रीजन है, वो हमेशा से यही रहा है कि जनता जितनी अशिक्षित होगी शासन उतनी आसानी से होगा। मोर एंड मोर इलिटरेट इज द पीपल आर द पीपल, इट्स मोर इजी टू रूल देम। एंड इलिटरेट डजंट मीन वन नॉट नॉट द लिटरल डेफिनेशन ऑफ व्हाट यू कॉल एज लिटरेसी, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शनल लिटरेसी, आई एम टॉकिंग अबाउट रेशनैलिटी। शिक्षित होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपना नाम लिखना जान लें, आप सिग्नेचर करना जान लें, आपकी तार्किक शक्ति और रैशनैलिटी, तर्क करने की क्षमता जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो नहीं है और आप नाम लिख रहे हैं तो सर आपका नाम लिखना बेकार है। कमिंग बैक टू मोहम्मद गौरी, तो उनको पता था कि पढ़ी लिखी जनता पर तो रूल हो नहीं सकता, तो क्या किया, यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय किया, लाइब्रेरीज को डिस्ट्रॉय किया। ही वॉज असैसिनेटेड ऑन 25th March 1206 AD इन द सेंट्रल एशिया बाय सम शिया रेबल्स एंड कुकर्स। He is considered to be the real founder of Turkish Empire in India because of his various invasions and subjugation of the Rajput territory in North India. So, इन्होंने North India को भी acquire किया और Turkish rule को establish किया। और यहाँ से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। अब हम दिल्ली को पढ़ेंगे। अब हम दिल्ली का, दिल्ली as a power center पढ़ेंगे। क्या हुआ? आइए देखते हैं। सबसे पहले आती हैं, यहाँ देखो different dynasties ने rule किया और सबसे पहले आती हैं मामलों की slave dynasty। दो तरीके के हमने वन लाइनर्स वाले लेक्चर में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था मामलुक मतलब द वाइट स्लेव्स। स्लेव्स जो होते थे वो दो तरीके के होते थे, एक हबशी होते थे और एक मामलुक होते थे। हबशी मतलब जो अफ्रीकन्स होते थे ना, द नीग्रोज, वो जब वो एज अ स्लेव खरीदे जाते थे तो उन्हें हबशी कहा जाता था। और मामलुक जो है जो वाइट स्लेव्स होते थे उन्हें कहा जाता था। So, इसकी शुरुआत, क्योंकि जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक को ये पता चला 1206 में कि नाउ मोहम्मद गौरी इज नो मोर, उसने बोला वापस जाने का कोई फायदा नहीं है, अब हम यहीं सेटल हो जाते हैं, यहीं पे हम रूल करेंगे। और इसी के साथ, क्योंकि वो स्लेव था, बाद में उसे कमांडर बनाया गया लेकिन बेसिकली उसे मोहम्मद गौरी ने खरीदा था, तो वो क्या हुआ, वो दैट्स वाई दिस वॉज कॉल्ड अ स्लेव डायनेस्टी। और 1206 में ये डायनेस्टी की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। This was the first dynasty to rule Delhi Sultanate.
द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल दिल्ली सल्तनत. डायनेस्टी एंडेड विद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एंड ही वॉज जब खिलजीज ने मुइजुद्दीन कैकाबाद को आउट नो ओवरथ्रो कर दिया तब जाके. सो सबसे पहले मामलुक आए. मामलुक की शुरुआत किसने की? मामलुक की शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने. लास्ट कौन था? मुइजुद्दीन कैकाबाद 1290 तक. सो ये अगर आप मैप देखें तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये है जो मामलुक्स का एरिया था जो स्लेव डायनेस्टी थी. आप देख सकते हो कितना बड़ा है. सिंध, मुल्तान, पंजाब, दिल्ली, कन्नौज, बंगाल, बिहार और ये बंगाल. यहाँ तक इनका रूल था. मेजर आर्किटेक्चर कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार. दिस इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा एंड दिस इज कुवतुल इस्लाम मॉस्क. तो ये कुछ इनके मेजर आर्किटेक्चरल मार्वल्स थे जिन्होंने. अब यहाँ से आर्किटेक्चर में आपको इंडो इस्लामिक मोड ऑफ आर्किटेक्चर की शुरुआत मिलती है. सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने चार साल ही रूल किया 1206 से 1210 तक. ही वॉज लाइक द मोस्ट ट्रस्टेड जनरल एंड कमांडर ऑफ महमूद गौरी हमें पता था. एंड 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तराई के बाद महमूद गौरी ने इसको इंचार्ज बना दिया था. जब और 1206 में जब उसे ये पता चला कि महमूद गौरी जो है वो मारा जा चुका है तो अब उसने क्या किया अपने आप को व्हाट वी कॉल एज सुल्तान डिक्लेयर कर दिया और यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है. आर्किटेक्चर क्योंकि अब चार साल में ज्यादा कुछ तो था नहीं. आपको जो ध्यान रखना है द ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुवतुल इस्लाम मॉस्क. जो हमने ऊपर फोटो देखा कुवतुल इस्लाम मॉस्क इट इज नियर कुतुब मीनार ध्यान रखना है. और उसके अलावा ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ही बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. ही अगर आता है हु कंप्लीटेड ये हम आगे देखेंगे लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हु स्टार्टेड इट वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट है कुतुब मीनार का जो कुतुब है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुब नहीं. फिर से सुनिएगा ये कुतुब मीनार का जो कुतुब है कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं लिया गया हुआ है वो उनके जो पीर थे जिन जो सूफीज्म अब हम आगे चल के देखेंगे उनके जो पीर थे जिनकी जिनकी वो जिनके वो डिसाइपल थे जिन पीर के वो मुर्शिद थे कुतुबुद्दीन ऐबक उनके पीर का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. तो अपने पीर की अपने अपने गुरु की अपने सूफी की ऑनर में यह कुतुब मीनार बना. और यह कुतुब मीनार में जो कुतुब वर्ड है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाज अ सूफी सेंट अ वेरी फेमस सूफी सेंट ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनके नाम से है. तो ये आप ध्यान रखिएगा. इन्हें लाख बख्श भी कहा गया दैट गिवर ऑफ लाख मतलब लाखों रुपए ये लुटा देते थे जेनरोसिटी थी. ही रीटेल हिज डेथ और ही हैज यू नो ही वाज एक्चुअली घोड़े से उनकी मौत हुई थी. ही वाज सक्सीडेड बाय आराम शाह. ये ध्यान रखना है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना. एक और इनका इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मैंने अभी भी बोला था अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद है कहा जाता है कि अढ़ाई दिन में बन गई थी 2.5 days. तो ये वो है. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूल आराम शाह के बाद आराम शाह ने वो किया सक्सीड किया लेकिन इट वॉज इल्तुतमिश. इल्तुतमिश कौन था? ही वॉज सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. ही रूल्ड गुरीद रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया जो गौरी वाला जो रीजन था. ही वॉज अ टर्किश स्लेव born in central asia. he was the greatest slave rulers of delhi. so one of the finest rulers of delhi was this person iltutmish. he shifted capital from lahore to delhi. to kya hua tha pehle delhi capital bana delhi settlement ka lahore capital bana fir lahore se wapas delhi ho gaya. so 1210 mein isne kya kiya sabse pehle bihar capture kiya aur uske baad 15 saal baad bengal ko bhi capture kiya aur ye pehli baar aap dekhoge कि बंगाल कैप्चर हुआ दिल्ली के हाथों. ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 1220s इल्तुतमिश नेग्लेक्टेड इंडस रिवर वैली व्हिच वाज कंट्रोवर्सी बिटवीन मंगोल्स ख्वारज़म किंग्स एंड काबाशा. अब ये क्या हुआ ये इस वक्त मंगोल भी आ रहे थे और जो दूसरे टर्किश जो कबीले थे वो भी आना चाह रहे थे. तो लेकिन वो आने का रास्ता कौन सा था यही नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडस रिवर को ये वाला अगर आज का इंडिया है हमारा तो ये इंडस रिवर है लच्छे तो इंडस रिवर को क्रॉस करके ही आना था इस तरफ चाहे वो इधर से आते चाहे वो सेंट्रल एशिया हिंदू कुश की तरफ से आते खैबर की तरफ से आते खैबर पास
या आज के पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां उस तरफ से आते। तो इसकी गलती ये थी कि इसने इग्नोर किया। जैसे ही मंगोल्स और ख्वारज़्म जो है कमजोर पड़े, कबाशा ने क्या किया, इस रीजन को जो जो आज का पाकिस्तान का जो सिंध रीजन वेस्ट टू द इंडस रिवर, वहां पर कब्जा किया और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा वो कब्जा किया। और उसके बाद क्या हुआ, इल्तुतमिश ने भी अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने की पूरी कोशिश की, एंड ही डिफेंडेड हिज एम्पायर अगेंस्ट मंगोल इन्वेडर्स एंड ऑल्सो। सो इल्तुतमिश को हम क्यों ग्रेट कह रहे हैं, हम इल्तुतमिश को इसलिए ग्रेट कह रहे हैं कि इसने ना सिर्फ एक्सटर्नल इन्वेजन जो मंगोल्स उस वक्त आ रहे थे उनको टैकल किया, बट जो इंटरनली जो राजपूत रेजिस्टेंस दिखा रहे थे उसको भी टैकल किया, एंड ही ऑक्यूपाइड टिल बंगाल। 1221 ही स्टॉप्ड एन इन्वेजन बाय चंगेज खान, गेंगिस खान जिसे हम कहते हैं, एंड ही वाज लाइक द मंगोल था बड़ा जालिम, मतलब आप क्रुएलिटी की इंतहा सोचिए और वो चंगेज खान था। सो दिस इज अबाउट इल्तुतमिश। और आप ये देख सकते हैं स्लेव डायनेस्टी है, ये गजनी है, ये अरब एम्पायर है, तो यहाँ से अरब एम्पायर यहाँ तक था, और ये खैबर पास या खैबर पख्तूनख्वा के थ्रू ही इस तरफ पेशावर की तरफ से एक एंट्री इधर से मिलती थी। इधर तो हमारे पास सारा वो था। तो उस वक्त क्या था, हौसला जो थे ये थे यादव, राजपूत इस रीजन में लिमिटेड थे, चंदेलास थे, तो ये कुछ मेजर डायनेस्टी थी। दिस वॉज द कंडीशन ऑफ इंडिया इन 1280। फिर इल्तुतमिश के बारे में हम कंटिन्यूशन में पढ़े, तो ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुवतुल इस्लाम मॉस्क एंड द कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार की शुरुआत और कुवतुल इस्लाम मॉस्क की शुरुआत किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्शन था, उसका जो कंस्ट्रक्शन था उसे कंप्लीट किसने किया, उसे कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। ही सेट अप एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन द किंगडम, ही बिल्ट मॉस्क, वाटर वर्क्स एंड अदर एमिनिटीज एट दिल्ली, मेकिंग इट फिट टू बी द सीट ऑफ पावर। He introduced the two coins of the Sultanate, the silver taka and the copper jital. ये ध्यान रखना, टका और जितल किसने introduce किया, टका और जितल introduce किया इल्तुतमिश ने। इक्तदारी सिस्टम को introduce किया, जिसमें क्या हुआ, जो पूरी पूरा जो रियासत थी उसे इक्ताज में divide कर दिया गया, और वहाँ पे nobles assign हुए in the exchange of salary. 1236 he died and he was succeeded by his daughter Razia Sultana, as he did not consider his sons equal to the task. और ये आता है वुमेन एम्पावरमेंट का पहला एग्जाम्पल हिंदुस्तान की तारीख में, जब दिल्ली के तख्त पे रजिया सुल्तान बैठती हैं। 1236 चार साल का रूल था, लेकिन अगर आपको कभी ऐसे में ऐसे के पेपर में आप कहीं भी सोशल वाला सोसाइटी या कुछ भी ऐसी जगह पे वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन इक्वालिटी या कुछ भी ऐसा मिलेगा ना टॉपिक, और अगर आपके पास वर्ड्स की लिबर्टी है तो प्लीज बिफोर मैंशनिंग any other of our greatest women heroes, please mention start it from Razia Sultan, क्योंकि ये आपके holistic approach को दिखाएगा, आपको ये दिखाएगा कि आपने आपका आपका thought ambit कितना wide है। So she was the first and the last Muslim ruler to rule over Delhi, also known as Razia al-Din. उससे पहले actually इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बीच में कौन था, बहुत छोटा से टाइम पीरियड के लिए, इट वॉज रुकनुद्दीन फिरोज, फाइन। और 6 महीने के अंदर ही रुकनुद्दीन फिरोज का असासिनेशन हो जाता है एंड द नोबल्स वर रेडी। एक और चीज थी जो चहलगामी था, आई एम नॉट मेंशनड हियर, चहलगामी ध्यान रखिएगा, चहलगामी क्या था, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नोबल्स हु वर देयर टू एड एंड एडवाइज, इट वॉज लाइक द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इल्तुतमिश। तो ये चहलगामी याद रखिएगा। And she was an efficient ruler, no doubt. She was married to Malik Altunia, Malik Ikhtiyaruddin Altunia, who was the governor of Bhatinda. And she was reportedly killed by her brother's forces. और रजिया के रूल में आपको तो एक तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या इल्तुतमिश के डायरेक्टली बाद रजिया आ गई थी, नहीं, इल्तुतमिश के डायरेक्टली बाद रजिया नहीं आई थी, इल्तुतमिश के बाद 6 महीने के लिए इट वॉज रुकनुद्दीन फिरोज, और रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान आई थी। Then Balban aate hain, he was the last important, though he was the ninth, but he was like the last prominent ruler of the slave dynasty.
सो ही वॉज द वजीर एंड द ग्रैंड सन ऑफ इल्तुतमिश नसीरुद्दीन महमूद. सो नसीरुद्दीन इल्तुतमिश का जो ग्रैंड सन था नसीरुद्दीन महमूद, उसका ये वजीर था, उसका ये मिनिस्टर था. He was of Turkish origin. He purchased a slave. He was purchased slave by Iltutmish. Generally होता यही था. ये slave खरीदते थे, उनको commander या noble ओबल बना देते थे, और जिससे जैसे वो अच्छा काम करते जाते थे, उनकी ranks ऊपर चले जाती थी. So Nasir की death के बाद Balban himself declared as a sultan and did not have any male heir. So this is important. About Balban, this is all about Balban. He carried out military and civil reforms administration which earned him position of the greatest ruler of the Sultanate after Iltutmish and Alauddin Khilji. So Iltutmish and Alauddin Khilji ke baad hum agar Delhi Sultanate mein kisi ko great mante hain to Balban ko mante hain. He was a strict ruler who was the symbol of austerity and strict obedience of the emperor. Inhone ek badi achhi to nahi matlab do pratha jo hai inhone shuru ki thi. एक था सजदा और एक था पैबोस. सजदा वॉज लाइक प्रोस्ट्रेट बिफोर द किंग. और पैबोस, बोसा पर्शियन में कहते हैं किसको, और पै मींस पैर, तो वो किसिंग द फीट, ये वाला भी इन्होंने एक शुरू किया था जिसे पैबोस कहा जाता था. सजदा दैट इज प्रोस्ट्रेटिंग बिफोर द किंग. एंड स्ट्रिक्ट इतना ज्यादा था कि मतलब वो कहता ना छींक आने पर भी फांसी की सजा दे देते थे. सुल्तान ये उस किस्म का राजा था. और बट इसका स्पाइस सिस्टम बहुत अच्छा था. और जो पर्शियन न्यू फेस्टिवल नवरोज, नवरोज की हिंदुस्तान में शुरुआत जो है वो इन्होंने दी. क्या के बाद इसके बाद इनके बाद इनका ग्रैंड सन काकुबाद आता है, वो सुल्तान बनता है 1290 में. काकुबाद मर जाता है और उसका सिर्फ एक 3 साल का बेटा शमशुद्दीन कायुमार जो है वो रहता है. कायुमार जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है उसका मर्डर कर देते हैं. एंड इसी के साथ जो मामलुक डायनेस्टी है वो दी एंड हो जाती है. एंड दिस लेड टू दी, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने उसे मारा, तो खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत यहां से होती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट मामलुक डायनेस्टी. आई होप आपने अपने नोट्स बनाए होंगे. यहाँ से नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी हम यहाँ लिखते हैं. इट्स और भी अगर आप इसके अलावा जो भी आप बुक्स रेफर कर रहे हैं प्लीज डू रेफर देम. This will help you out, and these are my best wishes to you. Keep working hard, stay safe. Jitna zyada aap safe rahenge utna zyada aap healthy rahenge aur utni achhi aapki padhai aur preparation hogi. Kyunki dekho timeline to aa gayi hai 27th June. Ab unhone kaha ki offline ho chahe online ho doesn't matter, hame nahi pata. 27 June ko prelims hoga. Those who are preparing for 2020, my best wishes are with them. Those preparing for 2021, आपको आपकी डेडलाइन मिल चुकी है. सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड एंड नो कीप योरसेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड. हैव अ ग्रेट टाइम. थैंक यू सो मच.